हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द न्यू वीडियो। आज हमारा मिशन यही है कि एक रेस्क्यू ऑपरेशन करना है और लोगों को बचाना है। सो मैंने सोचा ये ट्रक अच्छा होगा, तो देखते हैं क्या होता है। पहले मैं इसको साइड कर लेता हूँ क्योंकि गैरेज के सामने ही है, तो उसके बाद मैप में देखेंगे कि काम क्या है। एक्चुअल में वो हमारा मालिक जो है वो काम देना वाला क्या है। तो ट्रक बहुत भारी है, मैं अभी चला रहा हूँ, मतलब बोल नहीं सकता, बहुत भारी है। तो मैं हार्वेस्ट क्रॉप की तरफ जा रहा हूँ। यहाँ पे एक नहीं, ये वाला नहीं काम करेंगे, वो मिसिंग वर्कर्स है उसे काम करेंगे। तो वहाँ पे देखो, एक मैप में भी एक ट्रक दिखाई दे रहा होगा 3D का, वो है नॉर्दर्न टनल, तो उसी के पास है। वहाँ कोई रोड नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है, फिर भी कोशिश करेंगे किसी तरह से वहाँ तक पहुँचने की। बस हमें उसके पास तक पहुंचना है। उसके बाद एक काम करते हैं हम, मैं मैपिंग कर लेता हूं यहां पे रेलवे साइड के यहां, और डायरेक्ट ट्रैक के बीच होते हुए ही वहां तक पहुंच जाएंगे। मुझे तो ये आसान लगा। अब इसकी प्रॉब्लम यही है कि ये सिर्फ हाई और लो गियर में चल रहा है, और इसका हाई गियर मतलब लो गियर के बराबर है, पता नहीं क्यों, लेकिन इसका स्पीड इतना ज़्यादा नहीं है। मे बी हैवी होने की वजह से हो सकता है। फिर तो हमें राइट साइड जाना है, उसके बाद चलते हैं, देखते हैं कहाँ पहुँचते हैं। मैं ऑटो पे कर लेता हूँ, सही होगा। ओके, अब थोड़ा सा स्पीड जा रहा है, और इसका AWD वैसे ही ऑन है, तो कोई बात नहीं। और मैं कहना भूल गया, इसके पीछे एक छोटा सा क्रेन भी है, तो कहीं पे अगर दिक्कत होती है तो हम उसका यूज कर सकते हैं। मिलिट्री ग्रेड का ये ट्रक लगता है, क्योंकि इतना हैवी ट्रक तो मैंने आज तक कभी भी स्नो रनर में नहीं चलाया, ये वाला पहला है। ओके, तो हम वहाँ पहुँचते हैं। पहले मिसिंग वर्कर लिख रहे हैं, लेकिन एक ट्रक है वहाँ पे, वो मुझे कुछ समझ में नहीं आया। वहाँ पे जाने के बाद पता चलेगा, नॉर्दर्न टनल के पास। तो हम रेलवे लाइन के पास निकल आए हैं, और यहाँ पास में ये शायद कोई एक फैक्ट्री लग रहा है। ओके, तो हम पहुँच चुके हैं यहाँ पे। अब देखता हूँ कहाँ से कहाँ तक रोड है। अच्छा, यहाँ से कोई भी रोड वही जगह जा नहीं रहा है, घूम के जाना पड़ेगा, और कोई ऑप्शन नहीं है। एक ऑप्शन है, अगर ट्रैक के बीचों बीच चले जाएं, ट्रैक के किनारे किनारे अगर चलते हैं तो सही होगा, मैं वही करने जा रहा हूँ। और कोई दूसरा ऑप्शन हो तो कमेंट कर दीजिए, अगली बार उसी को फॉलो करेंगे। ओके, इसका सस्पेंशन मुझे थोड़ा अच्छा नहीं लगा, क्योंकि बहुत ही हार्ड है इसका सस्पेंशन। यहाँ पे दो लाइनें बनी है, शायद एक लूप लाइन होगा। चलो चलते हैं, देखते हैं क्या होता है। सामने की तरफ धुआं निकल रहा है, यहाँ पे बारिश शुरू हो चुका है, पता नहीं आज क्या होने वाला है। अगर कहीं पे भी कीचड़ वीचड़ हुआ तो प्रॉब्लम हो सकता है। ज़्यादा दूर नहीं है, लेकिन दूरी है, क्योंकि अगर रोड से जाएंगे तो बहुत दूर होगा। मैं ट्रैक के बीच में निकल रहा हूँ, इसलिए कोई परेशानी नहीं हो रहा। अब बारिश भी हो रहा है,
इसका लाइन भी डबल लाइन था, अभी सिंगल लाइन है। हाँ, ये तो टनल के पास ही जा रहा है। मैं कोशिश कर रहा था कि दोनों जो व्हील हैं वो बिल्कुल ट्रेन लाइन के बीचों बीच जाए, तो कोशिश किया था। ओके, थोड़ा सा रुक गया था, मतलब पानी पी रहा था मैं, हो गया। अब देखते हैं, अभी मैं नीचे उतर, नीचे उतरता हूँ, वहाँ से नीचे से जाएंगे अभी सामने से। ज़्यादा कुछ नहीं है, कंक्रीट ब्लॉक्स और शायद कुछ एक्स्ट्रा, एक टैंक भी है। अच्छा, तो हमें इस ट्रक को लेके जाना है, मैप में देखता हूँ कहाँ पे लेके जाना है। हमारे कौन सा काम था, वो मिसिंग वर्कर का था ना। ये तो स्क्रैपी यार्ड है, ये छोड़ो, ये वाला नहीं है, मिसिंग वर्कर का था। अच्छा, तो रिपेयर शॉप लेके जाना है हमें, और रिपेयर शॉप तो कोसों दूर है। अच्छा, ये साउथ में है और वो था नॉर्थ में, अब प्रॉब्लम तो होगा इतना दूर। चलो कोई बात नहीं, मैं देख लेता हूँ कहाँ कहाँ से रूट जाता है, पहले तो ये, और इसके बाद कौन सा बेस्ट होगा। मुझे लगता है गैरेज के यहाँ से चलते हैं, हाँ सही होगा, गैरेज के यहाँ से चलते हैं और फिर गैरेज से होके, नहीं वो वाला दूर हो जाएगा, थोड़ा ज़्यादा दूर हो जाएगा। एक काम करता हूँ, मैं उसे टर्न करता हूँ इस तरफ। ओके, अच्छा तो इसे मैं हो गया, और फिर यहाँ से होके मेन रोड, मेन रोड से होके जनरल स्टोर के यहाँ से जाएंगे। ओके, जनरल स्टोर, जनरल स्टोर के रास्ते से जाके रिपेयर शॉप। अच्छा, तो कंप्लीट हो गया मैपिंग, अब हम चलते हैं। ओके, वो रेडी है जाने के लिए। ये वाला एजोब का शायद 7-4 कौन सा एक तो इसका मॉडल था, तो इसका भी ट्रक हमारे पास था। अगर मतलब पता होता कि ये आ रहा है तो बिल्कुल उसी की तरह ही ट्रक खोला था। ओके, मैं कोशिश करता हूँ इंजन चलता है कि नहीं, लेकिन स्टॉल बोल रहा है, यहाँ इंजन इज ब्रोकन, स्टॉल भी नहीं है, पूरा ब्रोकन हो चुका है। रुको, यहाँ पे एक रिपेयर का ऑप्शन भी है, रिपेयर करके देखता हूँ। नहीं जा रहा है, उसके पास ही नहीं जा रहा है बिल्कुल। चलो कोई बात नहीं, चलते हैं, इसे रिपेयर शॉप ही लेके जाना है, तो लेके जाना है बस। हमें उस रोड तक पहुंचना है क्योंकि यहाँ पे कोई रोड नहीं है, तो ऐसे ही चलते हैं। मैं थोड़ा विंच को इसके पास लाता हूँ, सही होगा, क्योंकि ज़्यादा दूर रहेगा तो जब मैं इसे टर्न करूँगा तो मुश्किल आ सकता है। पास में रहेगा तो मैं जिस तरह टर्न करूँगा ये भी टर्न हो जाएगा। ओके, ज़्यादा दूर नहीं है और जब शुए की तरह चल रहा है, आगे क्या होगा। अरे यार, लो गियर से हाई गियर कर रहा हूँ तो इंजन स्टॉल हो रहा है। नहीं नहीं, मैं ऑटो कर रहा हूँ, इतना स्लो जाएगा तो क्या। गया,
मुझे लेफ्ट लेना पड़ेगा, तो लेफ्ट लेता हूँ। यहाँ पे रेलवे क्रॉसिंग के यहाँ कुछ एक तो देना चाहिए था, बिल्कुल वैसे ही छोड़ के चले गए। अरे छोड़ने से याद आया, मैं उसे छोड़ के चला आया, वो कब छूट गया मुझे भी याद नहीं। उसके पास लेके जाता हूँ और वहीं से कनेक्ट हो रहा है, कहीं और कनेक्ट हो रहा है, झाड़ियों से कनेक्ट हो रहा है विंच। लगता है मैन्युअली कनेक्ट करना पड़ेगा, एक और कोशिश करते हैं, देखते हैं। नहीं हो रहा है, मैन्युअली कनेक्ट करना पड़ेगा। ओके अब सही है, लेट्स गो। इतना ज़्यादा धुआं निकल रहा है, मुझे लग नहीं रहा ये टिक पाएगा। जितना ज़्यादा धुआं उतना ज़्यादा फ्यूल कंजम्पशन। और थोड़ा पास विंच लाता हूँ, तो उसके बाद जाएंगे। आ नहीं रहा, मतलब क्या हुआ, क्या है उसका, या तो चक्का जाम हो गया है या फिर कुछ और। ओके ऑटो में लेता हूँ मैं, सही होगा। बिल्कुल खींच नहीं पा रहे, आखिर प्रॉब्लम क्या है। मुझे शायद दूसरा ट्रक लेना चाहिए था, मैं अभी रिग्रेट कर रहा हूँ ये ट्रक लेके। ओके मुझे लगता है ये कम्प्लीटली डैमेज हो चुका है, मतलब इसका टायर वायर सब कुछ पंचर, इंजन ब्रोकन, उसके बाद गियर सिस्टम पूरा फेल, सस्पेंशन फेल, सब कुछ, जो कि रिपेयर शॉप में ही सही हो सकता है। कछुए की तरह क्यों चल रहा है गाड़ी? अब ऐसी प्रॉब्लम आएगी यहाँ पे, तो ऐसा रास्ता हर कहीं है। अब कंक्रीट रोड तो हम नहीं दे सकते ना। अरे इसका कोई सेटिंग करना पड़ेगा, जुगाड़ करना पड़ेगा। अब इतना स्लो जाएगा, मैं एक्सपेक्ट नहीं किया था। लग रहा था कि ज़्यादा भारी ट्रक है तो आराम से खींचेगा, यहाँ पे तो उल्टा होगा। छोड़ो कोई काम नहीं आ रहा है, ऑटो में ही चलते हैं। गियर वियर सब कुछ बेकार हो रहा है। ऐसा जाएगा तो 4 दिन लगेंगे पूरे साउथ में पहुंचने में। ओ भाई चल क्यों नहीं रहा इतना, बस वहाँ छोड़ रहा है। देखने में तो काफ़ी तगड़ा दिख रहा है, लेकिन चलने में बस रुक रुक के कितनी मुश्किल से वो पहुंच रहा है वहाँ पे चेक पॉइंट पे। तो कब पहुंचेगा रिपेयर शॉप मुझे मालूम नहीं, मुझे तो इसका रिप्लेस करना पड़ेगा, गैरेज से किसी और ट्रक को लाना पड़ेगा। ऐसा गया तो मैं तो मतलब मालिक मुझे लेट डिलीवरी में पैसा नहीं देगा। थोड़ा सा सही जा रहा है, पता नहीं क्यों, लेकिन इसका टायर भी तो सही है, अप रोड के लिए बनाया है, फिर जा क्यों नहीं रहा है।
छोड़ो, यहीं पे कहीं पे एक तो गाड़ी को रख देता हूँ मैं साइड, और मुझसे नहीं हो रहा है ये, बिल्कुल अंदर तक कीचड़ के अंदर तक धंसता जा रहा है। और क्या यार, इसे छोड़ो, इसे मैं साइड करता हूँ, अभी भी वही प्रॉब्लम है। सिर्फ धुआं निकल रहा है गाड़ी में, इससे कुछ होने वाला नहीं है। एक काम करता हूँ, गैरेज के यहाँ एक ठो सही होगा, गैरेज के यहाँ एक ठो दे देता हूँ, मैपिंग कर लेता हूँ। ओके, हो क्या रहा है इसको, अब ये उम्मीद नहीं थी मुझे। ओके, तो मैं इसे साइड में रखता हूँ, इसकी कोई अब ज़रूरत नहीं है, बस ये यहीं पड़े सड़ा रहे, इसका कोई पछतावा भी नहीं है। गैरेज में चलता हूँ, गैरेज से कुछ और लेके आता हूँ जो कि तगड़ा हो, थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा हो इससे। ये हमारे पास कुछ अच्छा, ये वाला सही होगा, टाटरा का, टाटरा फ्यूनिक्स। मैंने एक बार शायद जो लॉग है, लॉन्ग लॉग या मीडियम लॉग शायद मैंने लिया था, उसमें ज़्यादा अच्छा पिकअप दे रहा था, तो देखते हैं इस बार भी यही उम्मीद है अच्छी पिकअप दे। तो टायर वगैरह सही चुनना पड़ेगा मुझे यहाँ पे। कोई तो अच्छा टायर, ये वाला सही है, हाँ ये सही होगा, या फिर ये बड़ा वाला, नहीं नहीं ये सही है। सब कुछ अपग्रेड कर लेते हैं और उसके बाद जाएंगे, ताकि फिर से पछताना ना पड़े वहाँ पे बीच में। ओके, मैं कस्टम इंच करता हूँ, इसका पावर 2.5 है, तो ओके अब इसके साथ क्या लेके जाऊँ, कुछ बस एक ट्रॉली सही होगा, ये साइड बोर्ड सही होगा, ये वाला साइड बोर्ड सही है। ओके, हमारे पास टाइम नहीं है अभी, फ्रंट में ये तो एक लॉक है, रूफटॉप में हमें लाइट की ज़रूरत हो सकती है, सामने की तरफ मैंने बम्पर नहीं दिया, अब इसका एग्जॉस्ट नीचे हो तो सही होगा, और रिम कोई भी हो तो। अब चलते हैं, अच्छा पिकअप तो सही दे रहा है अभी, चारों गियर सपोर्ट कर रहे हैं, इसका मतलब चलेगा, काम चल जाएगा इससे। ओके, तो वहीं पे मिलते हैं, पहले कहाँ पे जाना है ये तो मालूम है हमें। अरे अंदर एक कोई लड़का है, मुझे पता नहीं था वो अंदर कोई होता है, वो अच्छा है कुछ तो बात सही है। अब चलते हैं सीधे, लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम हो रहा है, गेम सही तरीके से मतलब टर्न नहीं कर रहा है, कैलिब्रेट नहीं, मैं जितना कर रहा हूँ उतना ज़्यादा नहीं, मतलब स्लो हो रहा है, जिस तरह कुछ कुछ गाड़ियों में जल्दी से जल्दी हो जाता है वैसा नहीं हो रहा है। अरे यार यार यार, इससे तो प्रॉब्लम हो सकता है, बस ये उतना ज़्यादा बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, मामूली सा प्रॉब्लम है। सो बस ध्यान में रखना होगा कि पहले से ही थोड़ा मुड़ा हुआ हो। इसका जो टायर का स्ट्रक्चर है, मैं पहले भी देख चुका हूँ, सामने से अगर देखोगे तो पता चलेगा, तो मतलब ऊपर की तरफ वाइट है और नीचे की तरफ, दोनों चक्के की बात कर रहा हूँ, फ्रंट की,
ऊपर की तरफ वाइड है और नीचे की तरफ नैरो है, और नॉर्मली वो बिल्कुल वर्टिकल होता है, लेकिन इसका वर्टिकल नहीं है, तो शायद इसी वजह से इसका जो है टर्न करने में थोड़ा परेशानी हो रहा है, लेकिन गाड़ी सही है। यहाँ पे अभी तक मैंने AWD ऑन नहीं किया और अभी इस तरह दौड़ रहा है, मतलब कुछ तो बात है। ओ सस्पेंशन और टायर, लेकिन उसका कोई परवाह नहीं है, अब तो पहुंच चुका हूं मैं वहां से। अब मैं टर्न करता हूं इसे और बैक करके रिवर्स लेके उसके पास जाता हूं। ये देखो सामने की तरफ टायर जो है ऊपर की तरफ चौड़ा है, नीचे की तरफ नैरो है, सिकुड़ गए हैं बिल्कुल, तो शायद इसी वजह से इसका टर्न नहीं हो रहा है, थोड़ा लेट हो रहा है टर्न होने में। ओके विंच कनेक्टेड हो चुका है, अब चलते हैं। एक्चुअल में गाड़ी हैवी है इसीलिए शायद, लेकिन इसका भी इलाज है हमारे पास, AWD है। अगर नहीं जाता है तो AWD ऑन करेंगे। हो गया, ओके। अब चलते हैं सीधे हमारे रिपेयर शॉप पे। यहाँ
शहर में मैंने इतना ध्यान नहीं दिया, मैं सोचा वही होगा तो वहाँ पर चला गया, बट नो वरी हम पहुँच चुके हैं हमारी रिपेयर शॉप के यहाँ और रिपेयर तो हो गया। लाइक सब्सक्राइब जो भी अच्छा लगे, मतलब जो भी मन करे कर देना, और चलते हैं फिर नेक्स्ट एपिसोड में मुलाकात होगी। थैंक यू दोस्तों।